नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालयों में से रीवा का टीआरएस पानी इन दिनों लगातार कुछ न कुछ समाज के हित के कार्यक्रम कर रहा है। उसी के तहत आज यहां पर नशा मुक्ति को लेकर एक कार्यक्रम। मैं आपको बताऊं, प्रदेश नहीं देश के 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान सरकार चला रही। आज का विषय था, क्या पुलिस की ही जिम्मेदारी है नशे को रोकना? छात्रों ने वाद विवाद के दौरान यह साबित करने की कोशिश की कि यहां पर पुलिस की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारी समाज के लोगों की। समाज के लोग अगर चाहें तो नशे को रोका जा सकता है, नशे पर अंकुश लगाया जा सकता है। शराब एक ऐसी बीमारी ही इसको कहा जाएगा जो पूरे परिवार को खा जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं। उसका एकमात्र इलाज, इस बीमारी का एकमात्र इलाज इस लत को छोड़ना। आइए मैं आपको सीधे रीवा के टीआरएस कॉलेज ले चलता हूँ, जहाँ पर वाद विवाद के दौरान नशा मुक्ति को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कारक है और उन कारकों को खोज करके हमें अपने आप में आत्मबल पैदा करना है, तब हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। पुलिस की भी प्रभावी भूमिका है, उनको भी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। हमारे बीच हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य हमारी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर रविता अवस्थी जी हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैडम, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप देख रही हैं कि हमारी लड़कियां ही आगे हैं। और आज जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटा हैं, चाहे कोई भी पक्ष हो, हमारी बिटिया ही आगे है। मैं बड़े सम्मान के साथ आशीर्वाद के लिए आदरणीय डॉक्टर मैडम को बुला रहा हूँ कि मैडम आए और 2 मिनट अपने बच्चों को आए। आज के वाद विवाद प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी, निर्णायक मंडल के सदस्य और उपस्थित टीचर्स, छात्र छात्राओं, आज नशा मुक्ति पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, नशे के बारे में सभी जानते हैं कि ये एक बहुत बुरी लत है और एक बार लग जाए तो इसे छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसको छुड़ाने के लिए अपना आत्मबल ही जो है वो काम करता है। दूसरे आपको सलाह दे सकते हैं, आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, उसकी हानियां बता सकते हैं कि उनको लेने से क्या हानि है, पर छोड़ना जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी चीज की लत लगने ही क्यों दी जाए, इस चीज पर ही विचार करिए और इसके दुष्परिणामों को देखते हुए इससे दूर रहने का प्रयास खुद भी करिए। और आपके संपर्क में जो लोग भी आते हैं उन सबको इसके दुष्परिणामों के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी इस ओर प्रेरित कभी ना हो। कोई लालच देता है, पहले लालच देगा आपको बुरी चीजों की लत लगा देगा, फिर वही लालच आपको क्राइम करने पर भी मजबूर करता है। जिसमें हिंसा, लैंगिक अपराध, आर्थिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होने का कारण भी है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नशे को रोकने के लिए केवल पुलिस जिम्मेदार है, मैं कहूँगी ये सरासर गलत है। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग कभी भी किसी एक गाड़ी को चलते देखा है अगर उसके 3 पहिये खत्म हो गए हो और 1 पहिया बच बचा? पुलिस वही 1 पहिया है, लेकिन बाकी के 3 पहिये नागरिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं। मैं ये कहना चाहूंगी कि नशा एक दिन में नहीं चालू होता है, इसका जिम्मेदार कौन है यह जानना भी आवश्यक है। जिम्मेदार है वो मित्र जो देर के नाम पे होगा। जिस दिन हम एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे तो ये नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। जैसे एक शिक्षक एक ही हजारों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता है, उसी प्रकार एक पुलिस हजारों काम नहीं कर सकता है। पुलिस का काम दूसरा होता है और जो संस्थाएं होती हैं उनका काम दूसरा होता है। तो हमें नशे को जड़ से समाप्त करना है तो हमें सिर्फ पुलिस पर ही जिम्मेदारी नहीं सौंपनी है, हमें खुद भी आगे बढ़ना होगा और नशे को दूर करना होगा।